तो दोस्तों, मैं आज आपको बताऊंगा आईबॉल का जो राउटर है उसको अपन जियो से कैसे कॉन्फ़िगर करें और उसमें अपन लैन से कैसे आउटपुट ले सकते हैं। देखिए, सबसे पहले आपको करना क्या है, अपना वाईफाई ओपन करना है मोबाइल का। मैं ओपन कर रहा हूँ, यहाँ पे अपनी डिवाइस शो करेगी जिससे अपना राउटर का नाम भी आएगा, सबका नाम आएगा। देखो, मेरा 30 नंबर पर मेरा आईबॉल राउटर दिखा रहा है, इसमें अभी कोई सिक्योरिटी भी लगी हुई नहीं है। तो इस पर कनेक्ट करना आपको राउटर जियो से कनेक्ट करने के लिए, के जो प्रोसेस मैं आपको बता रहा हूँ, इसको कनेक्ट करो। आई बॉल को कनेक्ट कर लिया मैंने, विदाउट कोई पासवर्ड नहीं होता इसमें, जो डिफ़ॉल्ट पासवर्ड था कोई पासवर्ड नहीं आता इसमें, ये कनेक्ट हो चुका है आई बॉल का। उसके बाद आपको जाना है ब्राउज़र पे, कोई ब्राउज़र ले लीजिए, और जो आई बॉल की आईपी होती है, डिफ़ॉल्ट आईपी वो होती है 192.168.1.1, इसको लॉगिन करना। आपको जो आई बॉल का होम पेज वो आपके पास सामने खुल जाएगा, ये खुल चुका है। आई बॉल का आपको पासवर्ड लगाना है, राउटर का डिफ़ॉल्ट पासवर्ड इसका एडमिन होता है। ओके, उसके बाद सबसे पहले आपको वायरलेस की सिक्योरिटी सेटिंग करनी है, सिक्योरिटी की लगानी है। उसके पहले आपको जाना होगा वायरलेस सेटिंग पे, उसके बाद आना होगा आपको वायरलेस सिक्योरिटी पे, सेकंड नंबर पे नीचे से। उसके बाद डिसेबल है जिसको आपको करना है WPSPS के। अब उसको आप जो आप वाईफाई का आईबो के पासवर्ड रखना चाहते हो टाइप कर लेना। अभी मैं इसका रख रहा हूँ श्री राम, SHRI श्री राम, सब स्मॉल लेटर में दे रहा हूँ, SHRI श्री राम। ये मैंने इसका पासवर्ड डाल दिया आईबोर्ड राउटर का, इसको सेव करना आपको। जैसे अपन सेव करेंगे तो अपन जो वाईफाई अपना कनेक्ट करा रखा था आईबोर्ड का, वो डिस्कनेक्ट हो गया। ऊपर देख रहे हो, यहाँ पर डिस्कनेक्ट हो चुका है वाईफाई, तो वापस इसको क्लिक करना है और आपने जो सिक्योरिटी लगाई थी वो सिक्योरिटी लगा के वाईफाई को कनेक्ट करना है दोबारा से। अब देखो, इसमें ये सिक्योरिटी ऑप्शन आ चुका है, 30 नंबर पे इसमें जो लो होता है सिक्योरिटी लग चुकी है, तो इसमें सिक्योरिटी लगा के फिर ओपन करना आपको SHRI श्री आर एम राम। देखो, जो अपन पासवर्ड लगाया था उसमें श्री राम अपने लगा चुका है और ये कनेक्ट हो गया। देखो, आई बोल कनेक्ट हो चुका है, सिक्योरिटी यानी अपनी वाईफाई की सिक्योरिटी लग चुकी है। उसके बाद वापस से आपको करो कोई भी ब्राउजर पर जाना है, इसको रिप्लेस कराना है पेज को। इसके बाद आपको रिपीटर बनाने के लिए, जियो को राउटर को रिपीटर बनाने के लिए आपको करना क्या है, सबसे पहले वायरलेस सेटिंग पे जाना है। उसके बाद जो लास्ट का जो ऑप्शन है वो दिख रहा है ऑपरेशन मोड, उस पर क्लिक करना है। लास्ट का जो ऑप्शन दिख रहा है उसको ऑपरेशन मोड पे क्लिक करना है। उसके बाद जो डिस्प्ले हो रहा है उसको आपको करना है यूनिवर्सल अडेप्टर पर क्लिक करना है, यूनिवर्सल अडेप्टर। अब आपको ओपन स्क्रीन करवाना है जहाँ पर जियो का वाईफाई अपने यहाँ पर शो हो जाएगा। ये देखो, बहुत से वाईफाई, जिस वाईफाई से आपको कनेक्ट करना चाहे राउटर को कॉन्फ़िगर करना है उस पर क्लिक करना। इस टाइम पे मेरा जो राउटर है, सॉरी, मेरा जो जियो डोंगल है वो आ रहा है 4th नंबर 5th नंबर पे, जो लास्ट में 5-4 करके आ रहा है डिजिट, यानी इस पर क्लिक करना है आपको। मैंने कर चुका हूँ ओके। अब ऊपर ही पे ये पूछ रहा है इसकी की, यानी इसका पासवर्ड क्या है, अपना जो जियो का डोंगल है उसका पासवर्ड है क्या, तो इस पर पासवर्ड लिखना है की, इसमें टाइप करना है जो मेरे जियो की पासवर्ड है, उसमें मैं टाइप कर रहा हूँ। देखो, ये मैंने पासवर्ड टाइप कर दिए इसमें जियो डोंगल के। उसके बाद आपको करना क्या है, नीचे ओके आ रहा तो ओके पे क्लिक करना है। और जैसे आप ओके करोगे तो ये जो जियो का डोंगल है वो आपने आईबोर्ड राउटर से कॉन्फिगर हो जाएगा और जियो जियो के डोंगल से अपने राउटर में नेट चलने लगेगा, तो इसको ओके करना है। ओके, देखो ये राउटर रिबूटिंग हो रहा है अपना। उसके बाद अभी जो अपना वाईफाई है उस पर क्रॉस लग रहा है, यानी नेट नहीं चल रहा। अब ये क्रॉस हट जाएगा, देखो आप सामने ये क्रॉस हट चुका है और अपना नेट चलने लगा है। तो अभी मैं आप आईबॉल से नेट चला के दिखाता हूँ, 100% रिबूट हो जाए कंप्लीट। अभी तो दोस्तों, आपने हमारा ऑल न्यूज़ चैनल भी सब्सक्राइब कर लीजिए। देखो दोस्तों, 100% रिबूट हो चुका है राउटर अपना, और अपना जो नेट था आईबॉल के यानी जियो से आईबॉल में कनेक्ट हो चुका है। अब मैं आपको कनेक्ट करके दिखाता हूँ आईबॉल का राउटर। अभी इस टाइम जियो कनेक्ट है, तो ये आईबॉल कनेक्ट हो चुका है और इसमें ये
कनेक्टेड, या आई यानी अपना आईबोजी नेट चलने लगा है, यानी ये कॉन्फिग कंप्यूट हो चुका है, अपन इसमें कुछ भी आप चला सकते हैं यूट्यूब वगैरह, यानी इसमें नेट चलने लगा है अपना, दिख रहा है आपको आईबोजी कनेक्ट है, तो आईबोजी नेट अपना चल रहा है इस टाइम पे, आईबोल कनेक्टेड दिखा रहा है अपन को, यानी ये जो जियो का राउटर था, सॉरी जियो का डोंगल था, वो आईबोल का राउटर था, अपना जियो से आईबोल राउटर कॉन्फिगर हो चुका है। अब आप इसमें से आउटपुट निकाल सकते हैं लैन के वायर के द्वारा, जो अपने पास जो मॉडल था, अपना मॉडल ये था जो मैंने कॉन्फिगर किया है, उसकी ये आपको फोटो दिखाता हूँ। ये जियो के राउटर से मैंने भी कनेक्ट किया है आपको सामने, जो आपके सामने दिख रहा है ये जियो का राउटर है, और एक दोनों अब कंप्लीट आप इसमें आउटपुट ले सकते हो पीछे से जाके आराम से। इसमें चार पोर्ट आते हैं, इसमें से लैन के द्वारा आप पीसी वगैरह और वाईफाई के द्वारा भी इसमें यूज कर सकते हो, यानी जियो का जो डोंगल है उसके द्वारा अपने राउटर को कंप्लीट कॉन्फिगर कर दिया है, और आराम से अपने इसमें लैन के द्वारा आउटपुट निकाल सकते हैं, यानी कॉन्फिगर कंप्लीट सक्सेसफुल हो चुका अपना। धन्यवाद दोस्तों, अगर आपने हमारा वीडियो देखा और अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को। धन्यवाद दोस्तों, आगे आऊँगा मैं कोई दूसरा वीडियो लेके, तब तक देखते रहिए हमारा चैनल।